मगर याद रखिएगा, सवाल करेगा मुहर्रम का चांद, तुमने पिछले बरस भी मुझे देखा, उससे पिछले साल भी मुझे देखा, इतना बताओ कि पिछले साल में और इस साल में कितना तुम हुसैन से करीब हुए। हुसैन से करीब होना ऐसी कुर्बत कि आका कह दें कि ये मेरा गुलाम है, ये मेरा चाहने वाला है। सिर्फ रस्म की अदायगी नहीं, मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि आखिर क्यों 1400 साल की तारीख में क्यों सिर्फ अजादारी पे पाबंदी लगी, एक दो मरतबा नहीं लगी, बहुत मरतबा लगी, अजादारी पे क्यों पाबंदी लगी, नमाज पे कभी पाबंदी नहीं लगी, पाबंदी अजादारी पे लगी, किसी और इबादत पे पाबंदी नहीं लगी, पाबंदी जायरीन करबला पर लगी, हाथों को कटवा सकते हो तो जाओ, एक की शहादत एक की कुर्बानी हो तो दूसरा जाए, मगर दुनिया ने देखा कि पाबंदी लगाने वाले जितनी पाबंदी लगाते थे उतना अजाए सैयदुल शोहदा का सूरज और उभर के निस्फुल नहार पे आ जाता था। मगर मेरा सवाल कि क्यों पाबंदी, इसलिए कि दुनिया जानती है हर इबादत के अंदर यह सलाहियत है कि इंसान के अंदर एक इनकलाब पैदा कर दे, इंसान की शख्सियत को तब्दील कर दे, लेकिन जितनी तेजी से आजादारी किसी के किरदार को बदलती है उतनी जल्दी कोई और इबादत नहीं बदल सकती, इसीलिए पाबंदी है, इसीलिए पाबंदी है। वो आपने बात सुनी होगी, मैं जल्दी से उसे दोहरा दूं कि जिस वक्त मलका बरतानिया का सिक्का चलता था इराक की सरजमीन पर, उस वक्त उनका वायसराय वहां गया कि देखें यहां पे मुसलमानों के हालात क्या हैं, दूसरी कौमें किस तरह जिंदगी गुजार रही हैं। साथ में जो उसका मातहत था ट्रांसलेटर बताता हुआ चला के सारे माहौल से आगाह करता हुआ, ये इनकी तहजीब है, ये इनका तरीका है, ये इनका कल्चर है। अब गुजर रहे थे, अचानक वक्त अजान आ गया, इसने इससे पहले कभी अजान सुनी नहीं थी, इस मस्जिद से अजान, उधर से अजान, वहां से अजान, हर तरफ से अजान की सदाएं आई, तो ये जरा परेशान हो गया, कहने लगा भाई ये क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि ये अजान हो रही है, क्या अजान क्या होती है, कहा कि अजान ये मुसलमानों को पैगाम है कि वक्त नमाज आ गया, उनको बुलाने के लिए तौहीद की गवाही होती है, रिसालत की गवाही होती है। उसने कहा अच्छा ये सब तफसील छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इस अजान के बाद क्या होता है। क्या लोग अपने घरों से निकलते हैं, मस्जिद में आते हैं, सफ़े बनाते हैं, नमाज होती है, का फिर अपने घरों को चले जाते हैं। कहा अच्छा ये बताओ क्या इस अजान से हमारे तख्तोताज को कोई खतरा है। तो वो कुछ देर गौर करता रहा, उसके बाद उसने कहा कि नहीं, अजान होगी, नमाज होगी, लोग आएंगे, तौहीद की गवाही, दुआएं, फिर अपने घर को चले जाएंगे, फिर अगली मरतबा अजान होगी। तो उसने मुस्कुरा के कहा कि अच्छा तो फिर उनसे कहो खूब मस्जिदें बनाएं, खूब अजानें दें, खूब नमाजें पढ़ें, इसलिए कि जिस अजान से हमारे तख्तोताज को कोई खतरा नहीं, हमें उस अजान से कोई खतरा नहीं। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, देखिए बड़ा साहिब नजर था, वो पहचान गया कि इनकी इबादत रस्मी इबादत है, जो नमाज इनकी शख्सियत में इनकलाब न ला सकी वो माशरे में इनकलाब क्या लाएगी। लिहाजा ऐसी इबादत जो शख्सियत को न बदल सके वो माशरे को भी नहीं बदल सकती, और जो माशरे को बदल ना सके उससे किसी को कोई खतरा नहीं होता। इसीलिए तो इकबाल को कहना पड़ा कि नमाज मगर याद रखो, अजान मगर कौन सी अजान। कहते हैं परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगिस का जहां और है, शाही का जहां और, अल्फाज व मुआनी में तफावुत नहीं लेकिन मुल्ला की अजा और है, गाजी की अजा और। सलावात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। खतरा रस्मी अजान से नहीं होता, खतरा उस अजान से होता है जिसके अंदर रूह बिलाली मौजूद हो।
खतरा आम नमाज से नहीं होता, खतरा उस नमाज से होता है कि जहां नमाज का पढ़ने वाला ये जानता हो कि नमाज मुझे कहां ले जाने के लिए है। इसीलिए अर्ज करता हूं कि रस्म की अदायगी नहीं है, खतरा आजादारी से है, क्योंकि मालूम है कि नमाज में सर झुकाए जाते हैं, आजादारी में सर बनाए जाते हैं। यहां दिलों के झुकाने का मौका है, यहां दिलों के झुकाने की दावत है। इसलिए कि अगर दिल में बेदारी पैदा हो जाए तो फिर माशरा कैसा ही हो, फिर इंसान वो एहसास लेके चलता है। इसलिए कि जिसे रोशनी मिल जाए, अगर वाकई रोशनी उसे मिल गई तो वो बेचैन हो जाता है कि इस रोशनी को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, अंधेरा कैसे दूर किया जाए। मुझे रोशनी मिल गई तो अब बैठूंगा नहीं, किसी के पास रोशनी वो देख रहा है कि फलां गड्ढे में गिरने वाला है तो दौड़ेगा, दौड़ के हाथ पकड़ेगा, अरे कहां जा रहे हैं, ओहो आप तो नाबीना हैं, आपकी तो आंखें नहीं, भाई कोई बात नहीं मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। इसी से खतरा है कि अगर हुसैनी मिशन से जुड़ गए, अगर हुसैनी तहरीक का हिस्सा बन गए तो हुसैन